आज आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे कल परसों एक आवाज आई, आपको भी सुनी होगी। एक व्यक्ति कह रहे थे कि मेरा दौर फिर आएगा। आपने सुना था, प्रेस वालों ने सुना था, आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। हमने पहले भी कहा था, आप कर्मचारियों के साथ पंगेबाजी मत करो। आपने सुना होगा और हमने उनको कहा था कि आप कुछ दिनों के बाद गाएंगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। और वही हो रहा है जो मंजूरे खुदा होता है। अभी सुखू जी मुझे कह रहे थे कि हमें 40 सीटें मिली। मैंने कहा 24 का इंतजार करो, ये 4 और देंगे, ये 4 और देंगे। अपनी नजर इन पे सीधी रखो, ये हमारे पे सीधी रखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, ये आज का हिमाचल जो डॉक्टर वाई एस परमार ने हमें सौंपा, जिसकी लड़ाई डॉक्टर परमार ने लड़ी, जिसमें रंग वीरभद्र सिंह जी ने भरे, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमने तो पहले ही कह दिया था, भाई हमें तो कर्मचारियों से लड़ना नहीं है, हम तो आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हमारे पे मेहरबानी रखना, हमारे पे मेहरबानी रखना। 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर भी जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखू जी की सरकार ने आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके दी। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जब आप 76,000 करोड़ का कर्जा सुनते हैं और उसके बावजूद जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको सामाजिक सुरक्षा जो है इस सरकार ने दे दी है, आपके परिवार को दे दी है। और लगातार लोग ख्वाब देख रहे हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये बोर्ड पे क्या लिखा है, थैंक्स फॉर ओपीएस। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई आपने जीती लेकिन हमने आपका पूरा पूरा साथ दिया है, हमारी सरकार ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। आपको याद होगा हमारी नेता प्रियंका गांधी आपके शिविर में आई थी, सोलन में आपके शिविर में आई थी, उन्होंने सोलन की रैली में आपको वायदा भी किया था। हमारे जहां जहां भी कांग्रेस सरकार इस देश में बनेगी वहां कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी। ये थंब रूल जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बना दिया है,
और आपने देखना, कर्नाटक में अभी आपने देखा, हो गया ना नाटक। ये सब आप कर्मचारियों की देन है। हिमाचल की हवाएं चली, हिमाचल की हवाएं चली और कर्नाटक पहुंच गई, और मैं तो अभी भी कहूंगा कि अभी भी सोच लो, आगे मध्य प्रदेश आ रहा है, आगे हरियाणा आ रहा है, आगे तेलंगाना आ रहा है, और एक के बाद एक राज्य, इसी साल 5 राज्य आ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का देश में अनाउंसमेंट कर दो, पूरे देश में अनाउंसमेंट कर दो। लेकिन हमारे कर्मचारी साथी, आपको जो वायदा किया गया है, अभी अभी मैं देख रहा था नगर निगम के इलेक्शन हुए, हमने पूर्ण बहुमत से जीते, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, एक नेता ने तो चिंतपूर्णी की सुगंध खा ली। अरे खाली तो आज आके देख लो माता क्या कर रही है। ये सब माता रानी की कृपा हम सब पे बने रहे, हम देवभूमि में रहते हैं। जब विभागों का आवंटन हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी मुझसे बात कर रहे थे, मैंने कहा कि बाकी जो भी है ये मंदिरों का विभाग मुझे चाहिए। इन्होंने कहा क्यों, आपको क्यों चाहिए? मैंने कहा बीजेपी को धर्म भुला देंगे। धर्म भुला देंगे ये चप्पे चप्पे पे, ये चिंतपूर्णी माता, ये ज्वालामुखी माता, ये नैना देवी, ये बाबा बालकनाथ, ये चामुंडा जी, ये कांगड़ा जी, जहां भी चले जाओ भोलेनाथ की नगरियां, ये सब जो है इन सब का आशीर्वाद यहां पे बैठे हुए मंच के लोगों को मिल रहा है, आपका आशीर्वाद, और ये आपके रूप में ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखना बड़ी जल्दी भूल मत जाना, इंसान की आदत होती है, इंसान की आदत होती है, भूलता बहुत जल्दी है। अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भुला नहीं पाओगे। मैं आपको कहता हूं, ये बार बार हम याद कराएंगे आपको। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के लोग दिल्ली जा रहे हैं, लगातार दिल्ली जाके कह रहे हैं कि इनके पैसों में कटौती की जाए, इनका जो है। मुख्यमंत्री जी कल भी दिल्ली गए हुए थे, आपका जो 10,000 करोड़ वहां के खजाने में पड़ा हुआ है वो देने को तैयार नहीं है, पैसा आपका, ओपीएस ये सरकार दे रही है, लेकिन वो 10,000 करोड़ रुपया जो है उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और फिर कह रहे हैं आपने ओपीएस दे दी, हम आपके कर्ज की लिमिट काट देंगे, हम आपके कर्ज की लिमिट काट देंगे। लेकिन हम भाजपा के नेताओं से कहना चाहते हैं, आप सब कुछ काट दो,
आप हमारी गर्दन भी काट दो लेकिन कर्मचारियों को ओपीएस देंगे रहेंगे। हर तरह की कोई लिमिट काट लो, कोई रखा हुआ पैसा मत दो, लेकिन ये एक संकल्प है एक सरकार का। हमारी फिर कहते हैं कि इन्होंने ओपीएस तो दे दी, महिलाओं को कब देंगे? अरे भाई, तुम कब से महिलाओं के ठेकेदार हो गए? जिन्होंने वायदा किया है, जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। वायदा करने वाली हमारी सरकार है, हमने 10 गारंटियां दी है, और ये आपको कह देते हैं आपसे बिना कुछ मांगे हम उनको पूर्ण करेंगे। ओपीएस कोई छोटा मसला नहीं है, ये सिर्फ आज की रैली से इतने से हल नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा इसका जो है नतीजे है और बहुत लंबे इसके जो है। आप सबको पूर्ण जीवन, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को जो बेनिफिट्स इसके मिलने हैं, तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, लंबी कहानी है। इसलिए लंबी देर तक हमारे साथ चलना दोस्तों, हमारे साथ चलना। हम आपके सच्चे साथी हैं, हम आपके, मैं मान लूं कि आप भी हमारे सच्चे साथी हैं। ये साथ जो है एक दो पल का साथ हमारा, ऐसी बात ना कर देना। ये बहुत बहुत मेहनत से आपको दी जा रही है, 76,000 करोड़। एक तरफ आपके साथ किया हुआ वायदा, आपका वायदा हम पूरा करने की तरफ बढ़े, और बाकी गारंटियां भी हमारा राज धर्म है, ये हम आपको बता देते हैं। ये जो सब साथी हमारे बैठे हैं, ये सब आपके वकील हैं, बिना फीस के वकील हैं, लगे हुए हैं हर समय और एक ऐसा राज आप देख रहे हैं जिसने आपको तो दिया, आपका हक दिया, प्रदेश में उन सबका जिनका कोई नहीं था उनकी सरकार हो गई, 6,000 लोगों के लिए जो है ऐसा रास्ता निकाल दिया कि उनको कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जिसका कोई नहीं उसकी कांग्रेस की सरकार, उसकी सुखू जी की सरकार, हम इस फार्मूले पे चल रहे हैं दोस्तों। वो लोग जिन्होंने 5 साल तक ठेके नीलाम नहीं किए, वो हमसे सवाल पूछते हैं। हमने ठेके नीलाम किए, पहले साल में 500 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है, 500 करोड़ रुपए का। वो शराब बेचते थे, हम शराब पे टैक्स लगा के दूध देने का फैसला किया है। आपको जो है सुबह आपकी चौखट पे
तो ये एक नियत में अंतर है, सरकारों की नियत में अंतर है। ये हमने शुरुआत कर दी है। और भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम पहले भी कहते रहे उछलने की जरूरत नहीं है, 5 साल बहुत लंबे होते हैं, हमने पता है अपने काटे हैं, आराम से बैठो। और यह भी बता देते हैं जो हम कहते थे, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हमने कहा था ना, तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। और आप सबने जोर लगा के, ताकत लगा के जो है वो बात पूरी कर दी। आप हमारे दिल में हैं, हमारे जिगर में हैं, हमारे जहन में है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी हमारे लिए सब कुछ है, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। 2024 याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माता चिंतपूर्णी की, माता चिंतपूर्णी की, माता चिंतपूर्णी की।